शक्तिशाली बाइक थिला राजदूत। गांरु सहर सबुटे थिला ग्राहकंकर प्रसन्न। राजदूत सफलता पछरे बॉबी फिल्मर रहिछि भूमिका। जदि बाइक प्रति आपण आग्रही तेबे आपण निश्चिंत भाबरे राजदूत बाइक विषय जानिथिबे। सेतेबेले राजदूत भारतर सबुठारु शक्तिशाली बाइक थिला। एक समय रे एही बाइक भारतीयंक हृदय रे राज करथिला। लोकप्रियता एवं विक्रय दृष्टिरु मध्य एहा बुलेट को बहुत पछरे छाडी दैथिला। सहरठारु गा पर्यंत एही बाइक प्राधान्य विस्तार करथिला, किंतु हठात एही बाइक लोकंक हृदयरु ओल्हाइबा आरंभ कला एवं किछु समय परे एहा भारतीय रास्तारु अदृश्य होइगला। भारतरे राजदूतर कहानी 1962 मसियारे आरंभ होइथिला, कारण सही वर्ष एस्कॉर्ट नामक एक भारतीय कंपनी भारतरे प्रथम राजदूत बाइक उत्पादन आरंभ करथिला। कंपनी एहार प्रथम बाइक एक्सएलटी नामरे नामित कला, जहाँ लोकमाने राजदूत 175 मध्य कहिले। एहा प्रकृतरे पोलांडरु आसीथिबा एसएचएल M11 रो भारतीय संस्करण थिला, जहाँ कंपनी भारतीय सड़क एवं लोकों पसंद अनुयायी किछि परिवर्तन करि भारतीय बजार रे परिचित कराइथिला। एथरे कोनोसी संदेह नथिले जे राजदूत 175 सीसी एक विलासपूर्ण एवं शक्तिशाली बाइक थिला, किंतु बजार रे नूतन होइथिबारु लोकंक हृदय एवं विश्वास जितिबा पई बहु संघर्ष करबाकु पड़िला। बुलेट सही समय रे शक्तिशाली बाइक वर्ग रे निजकु प्रतिष्ठा करि सारिथिला एवं सही समय रे बुलेट लोकमानंक मध्यरे बहुत लोकप्रिय थिला। जोंथिपई राजदूत प्रारंभिक बसरे लोकमाने 175 सीसी प्रति अधिक ध्यान दे नथिले, जदियो एही बाइक भारतीय बाजार रे उपलब्ध अन्य बाइक अपेक्षा स्टाइलिस्ट उन्नत शक्तिशाली थिला, तथापि एहा ग्राहकंक ठारु अधिक प्रतिक्रिया पाइ नथिला। 1973 मसियारे ऋषि कपूरंक प्रसिद्ध चलचित्र बॉबी बड़ परदारे मुक्तिलाभ कला परे राजदूत भाग्य प्रथम थर पई उज्जवल हला, कारण एही चलचित्र रे ऋषि कपूर राजदूत बाइक चलाउथिबार नजर आसीथिले। एही चलचित्रटी बॉक्स ऑफिस रे एक ब्लॉकबस्टर थिला एवं एही चलचित्रर सफलता सहित राजदूत बाइक मध्य लोकंक मध्यरे बेस लोकप्रिय होइथिला। एही चलचित्रर आगमन परे लोकमाने राजदूत 175 किणिबा आरंभ कले एवं परे भारतरे एही बाइकर चाहिदा अति द्रुत गतिरे बढ़िबाकु लागिला। सेतेबेले प्रत्येक युवक ऋषि कपूरंक शैलीरे राजदूत चलाइबाकु चाहुथिले। एहिपरि भावरे राजदूत लोकप्रियता एवं सफलता पाइला, किंतु एसबु पई बहुत समय लागिला, जोथिपई राजदूत 175 प्रसिद्ध हेबार किछि वर्ष परे लोक एहाकु पुरुणा मॉडल भाबिबा आरंभ करिदेले एवं सही बाइक रो बिक्री द्रुत गति रे ह्रास पाइबारे लागिला। 1983 परे एहार बिक्री प्राय शेष होइ जाइथिला एवं एहा पुरुणा फैशन बाइक वर्ग रे अंतर्भुक्त हेबार आरंभ कला। सेथिपई एही कंपनी सही वर्ष एही बाइक उत्पादन को सबुदिन पई बंद करिदेला। कंपनी राजदूत उत्पादन बंद करदेला, कारण से माने भारतीय बाजार को भल भाव बुझी सारिथिले। पुरुणा फैशन बाइक राजदूत 175 एही वर्ग रे अधिक नुआ बाइक आसीथिबा बळे जहाकु लोकमाने बहुत पसंद करथिले। एही सबु देखि एस्कॉर्ट कंपनी समानक पुरुणा भूल संशोधन कले एवं बजार रे समानक नूतन राजदूत बाइक आणिले। एथर यामाहा कंपनी सहयोग रे एस्कॉर्ट कंपनी एही बाइक तयारी कला, जहार ना राजदूत 350 थिला। वास्तव रे एही बाइक यामाहा आरडी 350 रो लाइसेंस प्राप्त कॉपी थिला, जहाँ भारतीय स्थिति अनुयायी सामान्य परिवर्तन सहित बजार रे परिचित होइथिला। 350 सीसी रो एक शक्तिशाली इंजिन थिबा एही बाइक बुलेट 350 सहित सीधासळक प्रतियोगिता रे थिला। राजदूत 350 रो विशेषत्व थिला जे एहार ओजन बुलेट 350 तुलना रे बहुत कम थिला एवं द्वितीय शक्ति एवं स्थायित्व दृष्टि रु एहा बुलेट थारु बहु आगरे थिला। आहुरी मध्य एही बाइक रो प्रदर्शन एवं माइलेज बुलेट अपेक्षा बहुत भलो थिला। यह व्यतीत एही बाइक रो वैशिष्ट्य गुड़िक मध्य बहुत शक्तिशाली एवं आकर्षणीय थिला, जेउठारे 6टी स्पीड गियर सहित आसुथिबा एही बाइक मात्र 7 सेकेंड मध्य रे 0-100 किलोमीटर बेग धरिबा पई व्यवहृत होउथिला। आहुरी मध्य एहार सर्वोच्च गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा थिला एवं एही द्रुत गति हेतु एही बाइक बजार को आसिबा मात्रे युवक मानक हृदय छुइथिला। कहा जाए जे एही बाइक निज समय रे एते लोकप्रिय थिला जे बजार रे कोनो से बाइक मध्ये या सामने ठिया होई पार नथिले। राजदूत सहरर समतल रास्ता रे तथा गांर कच्चा रास्ता रे भी आराम रे चालू थिला
ଏହି ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବାହାରି ବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଏହାର କୃଷି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକାରୀ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଆରାମରେ ଦୂର ଗାଁକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଗାଁର ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଇକ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାଁର କଚା ରାସ୍ତାରେ କ୍ଷୀରର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ରକୁ ସହଜରେ ନେଇପାରୁଥିଲା ଏହି ବାଇକ୍, ତେଣୁ ଏହି ବାଇକ୍ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 1980-1990 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ବାଇକ୍ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ରାଜଦୂତ ବାଇକ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବାଇକ୍ ଥିଲା। 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଦୂତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ବାଇକ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୟାମା RX 100, ହିରୋ ହଣ୍ଡା CD 100 ଏବଂ ସୁଜୁକି ସମୁରାଇ ପରି ବାଇକ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ରାଜଦୂତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିବାରୁ ନୂତନ ବାଇକ୍ ସାମ୍ନାରେ ରାଜଦୂତ ପୁରୁଣା ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ନୂତନ ବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ ରାଜଦୂତ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜଦୂତ ବାଇକ୍ କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ରାଜଦୂତ 1990 ଦଶକରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୟ ସହିତ ଏହି ବାଇକ୍ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ଅତି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ଅଧିକ କମିଲା ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଇକ୍ ଆଉ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏହି ବାଇକ୍ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଭାବନା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ରାଜଦୂତ ବାଇକ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।